बंटवारा संपत्ति का, राम जाने किस दंपत्ति का। अब पंच परमेश्वर के सामने प्रस्तुत है बड़ा ही अनोखा मामला। यह कहानी है ललनपुर गांव के सबसे बुजुर्ग युवा दिलदार गिरपड़े की, जिन्हें अक्सर ही दिल का दौरा पड़ता रहा। अपनी दिलहरी से गांव की जनसंख्या में दो बच्चों की वृद्धि तो की, परंतु उन्हें ही इस योगदान का काफी नुकसान भी भुगतना पड़ा। गिरपड़े परिवार का सबसे बड़ा बेटा छोटे जितना कम अक्ल था, छोटा बेटा विशाल उतना ही समझदार। छोटे और विशाल की शादी तो बड़े धूमधाम से हो गई, परंतु नए बहुए आफरीन और फातिमा के तानों से न जाने खुशियां कहां खो गई। घर का माहौल किसी अखाड़े से कम नहीं था, जिसमें मुख्य अभिनय में होती पहलवान बहुए, परंतु मार खाने वाले किरदार थे घर के मुखिया दिलदार। और दंगल का विषय तो हमेशा से ही संपत्ति का बंटवारा रहा है। दिन बीते रात बीते पर नहीं सुधरा यह सीन। राम जाने पीड़ित दिलदार और जिएगा कितने दिन। दिलदार को उम्मीद थी कि समय के साथ साथ सब सुधर जाएगा। घर में बच्चे आए, किलकारियां भी गूंजी, पर किसे पता था दिलदार का ही समय आ जाएगा। होते हैं कुछ लोग जो आखिरी ख्वाहिश बताने के समय भी जायदाद का बंटवारा करते हुए पाए जाते हैं। इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे हमारे दिलदार, जो ये लिखते हुए पाए गए थे अपनी वसीयत में। मैं दिलदार, ललनपुर निवासी, अपनी पूरी संपत्ति में 40 एकड़ खेत, 2 कलमी गाय, 3 ब्रांडेड विदेशी शौचालय, अपने छोटे। और इसी के साथ दिलदार जी लिखते लिखते ही निपट गए। भाइयों के बीच अब बड़ा ही अजीब उलझन आया, न जाने इस पर्ची में किसका नाम समाया। उलझन तो यह था कि पिताजी तो छोटे लिखकर ही चल बसे, पर अब कौन बताएगा कि बस अपने संपत्ति को अपने सुपुत्र बेटे विशाल को देना चाहते थे या फिर कुपुत्र बेटे छोटे को। गांव वालों ने तो बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं फिर बड़े परिवार को क्यों कुछ समझ नहीं आया। संपत्ति के इस दंगल में पता नहीं कौन जीत पाएगा। गिर पड़े परिवार चला पंच के पास, अब वही इंसाफ दिलाएगा। पहला पक्ष बड़ा बेटा छोटे, पत्नी आफरीन और छोटे का परिवार। दूसरा पक्ष छोटा बेटा विशाल, पत्नी फातिमा और विशाल का परिवार। एक बार परिचय करवा दिया जाए। जी हम हैं छोटे बेटे विशाल और ये हमारी पत्नी फातिमा। नमस्ते। हम फातिमा के भाई हैं, बड़ी बुआ। भाई हैं। मतलब फातिमा की बड़ी बहन। बड़ी बहन। हाँ। विशाल। अरे आपका नाम क्या है? विश्वार का नाम ली। ठीक है ठीक है। फातिमा। फातिमा तो उधर है। अरे कितनी फातिमा है भाई, हमारी पत्नी फातिमा है। आफरीन। फातिमा आफरीन है। हम भी फातिमा ही चाहते थे। क्या आप कौन हो? इनके साथी हो? इनके साथी हो? चलो मैं छोटे। आप छोटे आफरीन। हमारी बेटी है, पैसे से हम वकील हैं। अच्छा, ये वकील बहुत आने लगे आजकल पंचायत में। देखिए पंच जी, मामला ऐसा है कि अभी तो इनको याद ही नहीं रहता, ये हमारी पत्नी का नाम बार बार ले रहे हैं। घर में भी ऐसा ही किया करते हैं, हमारी पत्नी का नाम लेते हैं, उन पे डोरी डालते हैं। बात जायदाद की है, बात सिर्फ जायदाद की नहीं है। हम हमेशा हमारे घर में झगड़ा लगा रहता है, हमारी पत्नी को छेड़ते रहते हैं हमारे बड़े भैया। अरे हम पत्नी में कहाँ है भाई, हम तो पत्नी से बाहर हैं। आपको अपनी पत्नी का नाम नहीं याद है बड़े भैया, शर्म कीजिए। आप अपनी छोटी भाभी पे ऐसी गंदी नजर डालते हैं। और आप हमारी जायदाद पे डाल रहे हैं। हम किसी की जायदाद पे नहीं डाल रहे हैं, बाबूजी का लिखा हुआ खत है हमारे पास। हमने बाबूजी का श्राद्ध कर्म किया है, इसमें लिखा है कि हम सबसे समझदार हैं, हमने बचपन से घर को संभाला है, तो हमें ही देखना है। विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी, पंचों के सामने अपनी दलीलें रखी जाए, आपस में ना झगड़ा जाए। और वकील साहब आप ना बोलिए, कृपया छोटे भाई को बोलने दीजिए, पंचायत का सम्मान किया जाए। अरे हमारी बीबी बोलेगी। देखिए ऐसा ही करते हैं, हर बार इनकी बीबी बोलती है और हमारे घर में झगड़ा लगा देती है। तो अपनी बीबी का नाम नहीं पता है। विशाल जी हमारे पति पर डोरे डालती है। ठीक है विशाल जी, थोड़ा शांत रहिए। अगर दोनों राजी हैं तो क्या परेशानी। देखिए देखिए कैसे अश्लील बातें कर रहे हैं, भाभी देवर का रिश्ता है, पंचायत में वैसे बात करेंगे आप, देवर का रिश्ता है, हमारी बुआ जी कुछ कहेंगी, हमारी बुआ जी काम बोल रहे हैं, काम बोल रहे हो आप सब। अरे नहीं नहीं थोड़ा पगला गए।
ठीक है ऐसी अजीब बातें भाभी देव कैसे वो गंदा कर रहे हैं देखिए बताइए मामले से जुड़े हुए तथ्य रखे जाए और होश में रखे जाए सारे तथ्य देखिए हमारा कहना ये है कि हम बचपन से ही अपने पिताजी का कारोबार संभाले हैं खेती किए हैं गैया भैंसिया पाले हैं हमने ही अपने घर को हमेशा से जोड़ के रखा है हमारे बड़े भैया आजीवन नशे में धुत रहते हैं लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं गलत गलत काम किया करते हैं इसीलिए हमारा दिख भी रहा है आपको हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने मरते मरते अब क्या करें हमारे पिताजी को एक तो मार डाला हमारे पिताजी नहीं है अब हम क्या करें बताइए हमारे पिताजी मर चुके हैं अब कैसे जिएंगे हमारे पिताजी मर गए हैं हमारे पिताजी मरते मरते जो भी जायदाद थी उसका हिस्सा लिख के लेके चले गए अब ये लोग इतने नामाकुल हैं ये यहाँ बैठे हैं पंचायत में हमारे जायदाद का हिस्सा मांगने के लिए बैठे हैं अच्छा वकील साहब वकील साहब आपको कहना चाहेंगे कुछ इस वसीयत के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हम पेशे से वकील हैं कह सकते हैं ससुर इनके हो सकते तो ससुर इनके भी हो सकते थे जानते तो हम कहते हैं कि वहाँ नाम लिखा देख रहे हैं आप हमारे ससुर बनने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी बेटी जोड़ी डाल दिया ठीक है वकील को अपनी वकील जी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए अच्छा वकील साहब आपसे एक चीज ये पूछेंगे अगर किसी की इनकम्प्लीट वसीयत होती है तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी अरे आपसे नहीं पूछे आप थोड़े शांत आप थोड़ा शांत रहिए नाम की कोई चीज नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है वो वैध नहीं माना जाएगा भैया ठीक है तो उस वाले हाँ अगर पिताजी ने ऐसे लिखा है तो लिखा क्यों है कि अपने छोटे इतने सिर्फ छोटे हाँ तो हमसे प्यार किया करते थे ना हमारी आंखों में हमारे पिताजी का प्यार नहीं दिखाई दे रहा अपने छोटे अरे मैं उनका अपना था हम अपने छोटे भाई को अच्छे से जानते थे उनका छोटा बेटा यानी कि छोटे वो बहुत ही उनका छोटा बेटा बड़े हैं छोटा बेटा ऐसा है अपने छोटे बेटे के बारे में बुजुर्ग को बोलने नहीं दे रहे बुआ जी हमारे बोल रहे हैं बुजुर्ग को बोलने दीजिए बुआ जी को बोलने बुआ जी को बोलने दीजिए बुआ जी कृपया बुआ जी ध्यान दीजिए हम आपकी उम्र के रिस्पेक्ट करते हैं पर ध्यान बुआ जी थोड़ा ध्यान दे के बोलिए और सही चीज बोलिए सुनना चाहते हैं ठीक है बुआ जी की थोड़ी उम्र हो गई है उनको बोलने दिया जाए ठीक है बुआ जी बोलिए हम हमेशा से ही देखते आए हैं हमारा ये छोटा नाती ही हमें हमेशा हमेशा हमारा सेवा करता आया है और ये हमेशा नशे में धुत बाहर घूमते रहता है हमारी तो आज तक कभी सेवा नहीं किया है कभी नहीं पूछा कि कैसी हो बुआ जी कभी नहीं पूछा हमारे ये बेटा ही हमेशा हमारा सेवा करता आया है तो हम तो चाहते हैं कि मैं हमारा भाई इसी को संपत्ति दे ठीक है वसीयत अभी पूरी स्पष्ट नहीं है तो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है सरकारी काम है यहाँ पे किसी को इमोशनल मत करिए देखिए ऐसा है इनको पता नहीं है एक एकड़ में कितना धान उपजता है कितना गेहूं उपजता है कितना कपास उपजता है इनसे पूछिए कि एक गाय एक दिन में कितना लीटर दूध देती है इनको मालूम नहीं है कुछ भी छोटे जी हमारी पे कम होती है अरे भैया ऐसा है अरे बड़े भैया सुनो जवानी में थोड़ा काम कर लो बीवी को ज्यादा मत दौड़ाओ जवानी में थोड़ा काम कर लो ठीक है तो बाबूजी मरे नहीं होते विशाल जी एक मिनट रुक जाइए विशाल जी बाबुओं में मत जाइए विशाल जी काफी भावुक हो रहे हैं अपने पिता की मृत्यु में आप बोले आप बीवी बहुत काम करती है देख के तो नहीं लग रहा है इनको अच्छा आप मामले से जुड़े तथ्य रखे जाए ठीक है अब अच्छा हर पक्ष से दो फाइनल तथ्य रखे जाए उनके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे आपकी तरफ से दो तथ्य और आपकी मांग भी रखी जाए साहब अरे मैं अभी आई थी बेटा बहुत काम करती है पूरे परिवार को संभाल के रखती है आपकी पत्नी पता नहीं वो बस हमारे छोटी बहन के पति पर डोरे डालते रहती है अभी बात परिवार को नहीं गायों को संभालने की हो रही है तो परिवार तो नहीं हमारी छोटी बहन ही करती है खेत और बैल संभाल लेते उसमें आप ही बताइए ये हमारी की फातिमा कौन संभाल पाएगा कि बात इस बात की भी है चाहे गाय हो चाहे बीवी हो चाहे घर की कोई भी व्यक्ति हो अगर जिम्मेदार व्यक्ति है तो वही सही से संभाल पाएगी आप देखिए ये बात इसमें पंचों की बात तो सवाल ये उठता है कि आप कैसे ये मतलब हम कैसे ये मान ले कि आप इस चीज के लिए सही है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हैं क्योंकि आप पे पहले से इतने सारे आरोप है कि आप नशे में रहते हैं आप जिम्मेदार नहीं है कुछ बोलिए इस पे
ये में रहते हैं तो उसका ये थोड़ी मतलब है कि पैसों को ना संभाल पाए। नहीं, आप जिम्मेदार नहीं है, ये आप पे आरोप लगे। इनको कुछ भी जानकारी नहीं है, दिन भर नशे में डूबे रहते हैं। बताइए, इनको ये नहीं पता है कि कितना, ये सारे हमारे पुश्तैनी जायदाद है, दादा परदादा की, ये सारा जायदाद बेच डालेंगे। हमारी मांग है पंच, हमारी मांग सुनी जाए। जी, आप अपनी मांग रखिए। हमारी देखिए, हमारी बुआ जी, हमारी बुआ जी से, हमारी बुआ जी मांग रखिए, मांग रखिए। हमारी बुआ जी का कहना है, घर में बुजुर्ग हैं, उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते हैं। हमारी बुआ जी का कहना है कि हमारे दादा पुरदादा पुश्तैनी संपत्ति है, जो कि जिसका संरक्षण करना हमारा धर्म है। तो हम चाहते हैं कि जमीनें एक जगह रहें, उससे जो भी आजीविका निकले, जो भी हम कमाई करें, उससे हम इनका भी, इनके परिवार का भी, इनके बच्चों का भी भरण पोषण करें। नहीं तो हमारे भतीजे भतीजी नालायक हो जाएंगे, ये हमसे देखा नहीं जाएगा बुढ़ापे में। ठीक है, हमारी हमारी पत्नी भी यही कहती है। आपकी मांग सुन ली गई है, आपकी दलील क्या है? दो में ठीक है, इस पक्ष की बातें सुन ली गई है। चलिए बोला जाए, काम में कोई संबंध नाम की चीज लिखा नहीं जाता, जब स्पष्ट नाम से छोटू लिखा हुआ है, छोटे लिखा हुआ है। देखिए पंच जी, आप बोलिए पंच जी, अगर इसमें दिक्कत दिखाई दे रही है आपको, विशाल जी आपकी बात सुन ली गई है, आप अपनी आपकी मांग रखिए। नहीं, आप कुछ नहीं, आप मांग रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो मांग रखिए, नहीं तो हम अपना फैसला सुना। आप क्या चाहते हैं? मांग हमारी ये है कि जैसे हमारी बहू और बेटे एक एक जैसे, हम इनको भी अपना बहू बेटे की तरह ही मानते हैं, तो चाहते हैं संपत्ति में से 80% इनको मिल जाए और 20% इनको मिल जाए। ठीक है, एक बात बताइए, ठीक है, आप हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारी माता जी का स्वर्ग, एक मिनट पंच जी बोलने दिया जाए, हमारे माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ये वकील साहब कैसे इनके बाप बन रहे हैं, बहू और बेटे कह रहे हैं, इनको भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, मतलब इनको भी हमारे पिताजी की जायदाद में हिस्सा चाहिए। पंचायत की हर जगह बुआ से इतना प्यार था तो बुआ को एक भी पौड़ी क्यों नहीं छोड़ के गए? मांग पूरी कीजिए, आपकी मांग पूरी कीजिए, और क्या चाहिए? पहली बात, बुआ से इतना प्यार था तो एक भी पौड़ी क्यों नहीं छोड़ के गए? हमको पता है कि हमारा ये बेटा हमारे, हम चाहते हैं कि अपने हमारे भाई को भी मिले, तो 80-20 में क्या है? हम तो चाहते हैं परिवार एक जगह रहे, एक ही मिट्टी पे दोनों बैल चलाएं, एक ही गाय के दूध, एक ही गाय का दूध पिए जो हमारी बीवी निकालेगी, है ना? हम चाहते हैं कि परिवार एक जगह रहे, तो इसमें क्या परेशानी? ठीक है, आपकी मांग सुन ली गई है, दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई है, पंचों को थोड़ा 2 मिनट का वक्त दिया जाए, हम विचार विमर्श करके चुप रहे। भरत आपके पति नहीं है ना, इसीलिए चल मैं हमारे पति तो है ही है। तो हम लोग पंचायत अपने फैसले पे आ चुके हैं, तो जहाँ तक हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, विशाल जी जहाँ तक मालूम होते हैं कि काफी जिम्मेदार व्यक्ति है, वही जो बड़े बेटे हैं, आपका नाम छोटे है, तो आप जो जिस तरीके से यहाँ व्यवहार कर रहे थे उससे भी ये प्रतीत हो रहा है कि आप काफी गैर जिम्मेदार है। तो पंचायत इस फैसले पे आती है कि इस संपत्ति का 75% जो है वो विशाल जी के नाम किया जाएगा और 25% जो है वो आपके नाम किया जाएगा, लेकिन जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन इसमें वकील जी का भी थोड़ा वो करना चाहिए, क्योंकि वकील जी मुझे जहाँ तक लग रहा है इन्होंने केवल पैसे की लालच में आके इनका साथ दिया है, तो अब तो सीधे सीधे साबित होता है कि मतलब कुछ तो आपकी भावना यहाँ जुड़ी हुई है, इसलिए आप इनके साथ है, तो आपकी भी जांच होनी चाहिए, आपकी जांच होनी चाहिए और आपका लाइसेंस रद्द करना चाहिए अभी। आप
दूसरी बात ये है कि आपकी जो 25% आपको संपत्ति मिल रही है, लेकिन आपका भाई का दर्जा आपसे नहीं छीना जा रहा है, आप दोनों भाई रहोगे। और ये आपका आपनी जी काफी भावुक हो रही है, तो लेकिन ये तब तक सही रहेगा जब तक आप जिम्मेदारी से अपना काम करें, ठीक है। तो अभी हम इसमें मुकाबले में इनको विजेता घोषित करते हैं, तो पुरस्कार स्वीकार करें टीम टीम आकर अपना पुरस्कार स्वीकार करें। विजेता टीम अपना पुरस्कार स्वीकार करें जल्दी।